भाभी जी, खुश रहो, प्रसन्न रहो। हम लोग शादी ब्याह की बातें करते हैं। हमारे बच्चों की हम शादी करते हैं, तो वो विवाह प्रणाली जो है वो कैसी होना चाहिए? विवाह प्रणाली शुरू होती है निमाड़, बुहाना, मालवा सब में एक तरह की जाती है। जी। अपने यहाँ जो की जाती है उसमें 5 मोहरित किए जाते हैं, उसके बाद माता पूजन हुआ था है, उसके बाद गणेश पूजन होता है, फिर मंडप होता है, फिर रावणी, लग्न और विदाई। ये अपने प्रोग्राम शादियों के होते हैं। भाभी जी, अब आप ये बताएं कि शादी ब्याह में जो 5 मुहूर्त होते हैं, हाँ, तो उसके क्या प्रोसेस होते हैं, 5 मोहरित होते उसका हैं। अर्थ? हाँ, उसमें 5 मोहरित होते हैं। जब शुरू करवाते हैं तो घर के जवाई बेटा 5 चीज़ें लाते हैं, उसमें सुपारी, नारियल, गुड़, हल्दी की गठान और सुपारी, ये लाके कुकू कुकू बोल रही, से वो बोल ना। लाके और दूल्हे की माँ की गोदी में डालते हैं और वो उठा के वो चावल की डब्बे में रख देती हैं। उसके बाद फिर आंगन में चौक पूर कर कलश रखा जाता है। अच्छा, ये चावल के डब्बे में ही क्यों रखते हैं? चावल में लक्ष्मी का भी निवास होता है, अच्छा, अन्नपूर्णा भंडार भरपूर रहे अनाज और चावल में लक्ष्मी का, इसलिए वो उसमें रखे जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आंगन में कलश बना के, चौक बना के गणपति बाल मुकुंड रखे, 60 टोकनियाँ और खोदने के लिए मिट्टी खोदने के हसिया रख के, और फिर वहाँ माँ बेटी हो या ननद भौजाई हो पूजा करके, और फिर वो टोकनियाँ और हल्दी में पुड़ियाओं में कुकू, हल्दी, आटा, नाड़ा, गुड़, पैसा, सुपारी, पान सब लेके और खदान में मिट्टी लेने जाती हैं। फिर वहाँ पूजन करके पान सुपारी गौर रख के वहाँ पूजा करके 5 सुहागलें उसको खोदती हैं 5-5 बार, और फिर वो मिट्टी घर लाई जाती है। घर लाने के बाद आंगन में पैरों को धुलाया जाता है, बिना पैर धुलाए अंदर मिट्टी नहीं आती है। उसके बाद मिट्टी एक तरफ डाल सुहागन के के, पैरों को धुलाया हाँ जाता जी, है। फिर उसको मिट्टी को ठंडा कर देते हैं पानी डाल के, मतलब हर जगह शीतलता जरूरी है, उससे सभी कार्य निर्विघ्न सिद्ध होते हैं शांतिपूर्वक। शांतिपूर्वक उसके जी। बाद फिर मिट्टी से चूल्हे बनाए जाते हैं, आंगन में टोकनी रख के गेहूं इतना डाला जाता है उसमें कि टोकनी से बाहर आ जाए, और उसके बाद उसको 2 सुपड़ों में रख के पैसा सुपारी डाल के कोरे सुपड़े उनको फटका जाता है। देरानी, जिठानी, ननद भौजाई आपस में वो डालती हैं। उसके बाद फिर उस गेहूं को कूटा जाता है गीला करके, उसी से घुघरी बनाई जाती है। लड़के की शादी में 5 कोठियाँ, 5 चूल्हे और 1 अटाई बनाई जाती है, और लड़की की शादी में 7 चूल्हे और 2 अटाई बनाई जाती है। अच्छा, कन्या की शादी हाँ में। जी, और उसके बाद उसका पुराने ज़माने में उसका उपयोग होता था, उस पर सब बनाया जाता है, अभी सिर्फ नैवेद्य मात्र किया पहले जाता है। बड़े बड़े बनते थे, जी आजकल अब हाँ छोटे हाँ छोटे बनाते हैं, जी प्रतीकात्मक। हाँ जी, अटाई नहीं, क्या होती है ये? अटायनी का मतलब होता है एक आटा रखने की थाली, अच्छा। उसको अटायनी के रूप में माना जाता है। ये जो अपन चूल्हा की मिट्टी लेके आते हैं, हाँ तो उसके चूल्हे बनाते हैं, फिर उनका महत्व क्या है? उसका महत्व यह है कि पहले समय में गैस और भट्टियाँ नहीं थी, तो उसी चूल्हे पे सब खाना बनाया जाता अच्छा। था और उसी की पूजा करके और फिर उस पर खाना, और अब सिर्फ निमित्त मात्र है इसलिए छोटे ही चूल्हे बना के उसका नियम पूरा किया जाता है। अच्छा। और खदान में भी चौक भरते हैं आटे का, उसको ढक के आते हैं पैसा सुपारी रख के। घर में भी हर जगह आटे का ही चौक बनाया अच्छा, जाता है। आटे का ही क्यों बनाते हैं? आटे का इसलिए बनाया जाता है कि पहले समय में रंगोलियों की इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी और आटा घर का शुद्ध साफ रहता था, इससे उसे भगवान की व्यवस्थाएं की जाती थी पूजा के लिए। ये आटे का महत्व हर जगह इतना क्यों होता है? आटे का महत्व इसलिए अच्छा। होता है क्योंकि आटा जो होता है वो खाने के उपयोग का है, और जहाँ
खदान होती है वहाँ चींटियाँ होती है, जहाँ भी अपन आटा रखते तो चींटियाँ आके वो आटा खा लेती, तो उसका उपयोग भी अच्छा हो जाता है। भूमि के जो जीव जंतु है वो उनका भी पालन पोषण हो जाता है। तो हो गया पांच मुहूर्त का अपना। हाँ, अब इसके बाद में अगले और क्या कार्यक्रम? इसके बाद होता है माता पूजन प्रोग्राम, है ना। माता पूजन की आरती में कुकू, हल्दी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, मेहंदी, चने की दाल, दही, दूध और पांच आटे के दिए बनाए जाते हैं, जिसमें घी बत्ती रखा जाता है, उसके नीचे नीचे टिकड़ी लगाई जाती है, क्योंकि सिंगल नहीं चढ़ाई जाती, डबल के हिसाब से उसमें घी बत्ती रख के टिकड़ी लगा के और एक तेल का दिया, और शीतला माता की ठंडी पूजा होती है। अच्छा, उसमें जोत नहीं जलाई जाती। अच्छा, माता पूजन के जाते समय लड़के के ऊपर लड़की के ऊपर से छांव करके उनको ले जाते हैं, भाई की धूप ना लगे, इसलिए चार लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं। वहाँ जाके नीम की डगना हाथ में ली जाती है, कलश भर के ले जाते हैं, और लड़के की मम्मी नारियल अपनी गोदी में लेके जाती है, जो माता जी के यहाँ चढ़ाया जाता है। उसमें चिकसा, पीले चावल का निमंत्रण हनुमान जी और शीतला माता दोनों को दिया जाता है। तो हो गया पांच मुहूर्त का अपना। हाँ, अब इसके बाद में अगले और क्या कार्यक्रम? इसके बाद होता है माता पूजन प्रोग्राम, है ना। माता पूजन की आरती में कुकू, हल्दी, अबीर, गुलाल, सिंदूर, मेहंदी, चने की दाल, दही, दूध और पांच आटे के दिए बनाए जाते हैं, जिसमें घी बत्ती रखा जाता है, उसके नीचे नीचे टिकड़ी लगाई जाती है, क्योंकि सिंगल नहीं चढ़ाई जाती, डबल के हिसाब से उसमें घी बत्ती रख के टिकड़ी लगा के और एक तेल का दिया, और शीतला माता की ठंडी पूजा होती है। अच्छा, उसमें जोत नहीं जलाई जाती। अच्छा, माता पूजन के जाते समय लड़के के ऊपर लड़की के ऊपर से छांव करके उनको ले जाते हैं, भाई की धूप ना लगे, इसलिए चार लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं। वहाँ जाके नीम की डगना हाथ में ली जाती है, कलश भर के ले जाते हैं, और लड़के की मम्मी नारियल अपनी गोदी में लेके जाती है, जो माता जी के यहाँ चढ़ाया जाता है। उसमें चिकसा, पीले चावल का निमंत्रण हनुमान जी और शीतला माता दोनों को दिया जाता है। अब ये सर दरवाजे पे पैर धुलाए जाते हैं। हाँ, उसके बाद अंदर आने के बाद अपनी गणेश पूजा की तैयारी की जाती है। उसमें लड़की की शादी में सात गणेश जी और लड़के की शादी में नौ गणेश बनाए जाते हैं। अच्छा, नौ गणेश नौ दिए और लड़की की शादी में सात गणेश सात दिए। अच्छा, ऐसा क्यों है कि लड़की की शादी में सात और लड़के की शादी में नौ? अपने यहाँ कहा जाता है लड़का बहू लाता है तो वंश बढ़ता है आगे। अच्छा, इसलिए उसमें बढ़ाया जाता है। अच्छा, अच्छा। और लड़की तो अपना परिवार जस तस छोड़ के और आगे बढ़ जाती है, तो इसलिए वो मान्यता है कि लड़का अच्छा। गणेश बढ़ता लड़की, तो ऐसा चलता है। अच्छा, अच्छा। फिर गणेश पूजा के पहले खल मिट्टी लाई जाती है। उसका महत्व है कि अपने पूर्वज जो चले गए हैं मिट्टी में ही मिल गए हैं, तो उनका एहसास समझ के उसको लाई जाती है। अच्छा, अच्छा। जो मंडप में और रुखड़ी नियुक्तने में सब में काम में आती है। अच्छा, ये रुकड़ी क्या? रुकड़ी ये होती है पूर्वजों को निमंत्रण देना। अच्छा। तो उसमें दाल, चावल, आटा, नमक, हल्दी, गुड़, पापड़, ये सब विशेष रूप से रख के उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप लोग आना और हमारे घर आपकी नातनी की शादी है, नाती की निर्विघ्न निपटाना। अच्छा, उनको निमंत्रण दिया जाता है। गणेश पूजा जो शुरू होती है उसमें पहले से ही आटा सेक के गणेश के लड्डू बनाए जाते हैं गुड़ के। उसमें पांच बड़े लड्डू बनाते हैं, उन पांचों को लड़के के उल्टे हाथ की तरफ रखते हैं, और फिर जब पूजा शुरू होती है सीधे के हाथ तरफ से, तो लड़की की माँ दिए जलाए जाते हैं, तो लड़के और लड़की की माँ अपने बच्चे के हाथ के नीचे इसलिए हाथ लगाती है कि उसको आँच नहीं लगे और सुरक्षा पूर्वक वो अपनी पूजा पूरी कर ले। अच्छा, उसके बाद सुहागले लड़के को बधाती है, पैरों में हल्दी लगाती है, सिर पे टीका लगाती है और चावल सिर में पल्ले में लेके सिर पे हाथ रख के पीछे खड़ी हो जाती है। अच्छा, उसमें अपन 9, 13, 21 जो भी हो जाए उस समय सम्भव पूजा की जाती है, विषम संख्याओं में, विषम संख्या, और फिर उनको गुणी घूरी थालवड़ी लगाने के बाद गुणी घूरी दी जाती है। आपने थालवड़ी के बारे में बताया, ये थालवड़ी का महत्व क्या है और क्या है थालवड़ी? थालवड़ी का महत्व है अच्छी भरी हुई थाली, हमेशा हमारे घर में सब कुछ भरा रहे, अन्न धन लक्ष्मी, ऐसा करके उस लड़के के पूरे शरीर से सिर कान
कंधा, कोनी, घुटना और पैर तक 5-7 बार उतारी जाती है। उसके बाद हर गवर्नी को 2-2 बार दी जाती है घूनी, घूंघरी और लड्डू, दूसरी बार में घूनी, घूंघरी और सिक्का, ऐसा करके। और वो लड़का बोलता रहता है लो सुहाए ढाके बाण, ढका हुआ सुहाग देते हैं। अच्छा। कि आगे सब परिवार में सबका सुहाग अमर है। बड़ी का खाना होता है घूनी घूंघरी, वो माँ अपने बेटे को बेटी को गोद में लेके खिलाती है। उसके बाद जो कुंवारे भाई बहने, ऐसी मान्यता है कि उस थाली में से यदि सब कुंवारे भाई बहन कहा लेते हैं तो उनकी शादी जल्दी हो जाती है। अच्छा। ऐसे अपन लोग मानते हैं, तो इसलिए सब पूरे बच्चों को बुला के उसमें दूल्हे के साथ वो लोग खा लेते हैं। तो जितने कुंवारे इस बात का ध्यान रखें। ये तो हो गया गणेश पूजा का। हाँ। अब गणेश पूजा के बाद में क्या अगली प्रक्रिया क्या होती है? गणेश पूजा के बाद आता है मंडप परिक्रमा। मंडप में मर्दली जो है वो पहले रखी जाती है गणेश पूजा के समय, वो भी मंडप में रहती है और मंडप बनाया जाता है पहले। ये मर्दली, पहले मटकियां रखी जाती है। बताया मर्दली शब्द बताया, तो ये मर्दली का क्या अर्थ होता है? मर्दली का अर्थ होता है कि जवाई लोग उस मर्दली को रखते हैं, उसमें ग्लास, नाड़ा, लाल कपड़ा, पैसा, सुपारी रख के खम्बर गाड़ा जाता है, जैसे कि अब हमारे यहाँ शादी प्रोग्राम झंडी टांग दी गई, ऐसा ऐसा करके उसको टांग दिया जाता है। उसके बाद लड़के की शादी में पहले समय में मटकियाँ रखी जाती थी चारों तरफ मंडप में, आजकल तो रेडीमेड मंडप आते हैं। हाँ। तो पहले लड़के की शादी में 2 तरफ बेल भरना बोलते हैं उसको। हाँ। तो 2 तरफ भरी जाती थी और लड़की की शादी में चारों तरफ भरी जाती थी, चारों तरफ मटकियाँ लगाई जाती थी। मंडप होने के बाद मंडप प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद इरित बनाया जाता है जिसको कुल देवी का साक्षी मानते हैं। कुल देवी, उसमें एक अम्बा आम का पेड़ बनाया जाता है जो मर्दली पे लगाया जाता है, जो लड़की शादी के समय उसका फेरा देके उसकी पूजा करके जाती है कि मेरे यहाँ शीतल छाया रहे मायके में। आम के पेड़ की छाया शीतल रहती है, बड़ा पेड़ रहता है और खूब फले फूले जो लड़की करती है। और एक ईरित के आसपास 2 अम्बे बनाए जाते हैं। उसकी मंडप की प्रतिष्ठा होने के बाद सब घर के लोग अपने परिवार वाले उसकी पूजा करते हैं और गुड़ घी का भोग लगा के उसको सेवन करते हैं। अभी आपने ये ईरित शब्द का प्रयोग किया। हाँ। ये इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है जो दीवार पे बनाई जाती है उसे ईरित, और उसको अपन कुल देवी की साक्षी मानते हैं कि ये हमारी कुल देवी है। और वो कोरे कागज के ऊपर चावल का आटा पीस के उसको पोता जाता है शुद्धता करके उस ताव को, और कुकू घोल के उससे बनाया जाता है, इसलिए वो इरित कहलाती है। इरित पहले वो भी चलती थी हर घर में, पहले समय में सुपड़े पे बनाई जाती थी माताजी, उसमें भी सफेद कपड़ा होता था और उसपे भी कुकू से बनाई जाती थी। तो उसका कुछ रूप अपन ने सुधार के इस तरह से भाई नहीं कर पाते उतना, इसलिए इसको इरित के रूप में अपन बनाते हैं, उसका मॉडिफिकेशन। तो ऐसे ही अपने को कितने दिन तक करना चाहिए इरित? तो अपन लोग मंडप होता है शादी विदाई हो उसके बाद अपन मंडप ठंडा करते हैं, उसमें ये प्रश्न होता है कि मंडप के चारों तरफ जल छींटा जाता है और उसमें जो नाड़ा और कास की रस्सी जो लपटी जाती है उसको बोलते हैं गुड़ी, गुड़ी बोलते हैं, उसको निकाल के विसर्जन करते हैं। उसी के साथ अपन ईरित का भी विसर्जन कर देते हैं। और पहले समय में क्या 1.25 साल तक माता रखी जाती थी, और आजकल जो सुपड़े पे बनाते हैं वो 10 दिन में विसर्जन कर देते हैं। अपने यहाँ 1.25 साल तक, और उसके लिए प्रोसेस होता है कि 10 दिन की पूजो, फिर 1.25 महीने की पूजो, चैत की पूजन करो, कुवार की पूजन करो, उसके बाद सब साल भर की और 1.25 साल की, इतनी सब व्यवस्थाएं देखना पड़ती थी। तो इसलिए आजकल अपन उसको छोटा रूप देके और ईरित बना के और उसका रूप मान के उसका विसर्जन कर देते हैं परिस्थिति के अनुसार, कि देश काल परिस्थिति के अनुसार। हाँ। हम इसका परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। हाँ, परिवर्तन कर रहे हैं पर छोड़ नहीं रहे हैं, छोड़ हम रहे उसको करते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को अपने समय और हिसाब के हिसाब से हम चलाते जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो
अगली पीढ़ी तक चलती रहे, चलती रहे, हमारी परंपरा बनी रहे, बनी रहे। शादी में जब मेहमान लोग आते हैं तो उनके स्वागत के लिए अपन लोग उनको टीका लगा के करते हैं, उसको बधाना बोलते हैं। अपन उसका स्वागत करते हैं टीका लगा के कि आप लोग आओ, और उसके लिए एक गाना गाया जाता है कि जो बहू आती है, बेटा आता है तो बोलते बेटा घोड़े पे सवार होके आया है और लड़की और बहू डोली में बैठ के आई है। इसी तरह जवाई घोड़े पे बैठ के आए हैं और लड़की डोली में बैठ के आई है, उसका हम स्वागत करते हैं और शादी के प्रोग्राम में उनको पान सुपारी करते हैं। भाभी जी, मेरे मन में भी एक सवाल उठ रहा है। हाँ, बोलो भैया। वो होता ये है कि हाँ। जो शादी होती है, चूंकि ग्रामीण भारत में हाँ। का जो हमारा अधिकतम जनसंख्या आबादी जो गांव में बस्ती थी भारत के हाँ। तब एक कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती थी, कोई शादी हुआ या सुख हाँ। दुख कोई भी कार्य हुआ तो शादी में किस तरह से कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी की जाती है। शादी में ऐसा होता था किसी के घर भी शादी है तो उसकी बेटी है तो वो गांव की बेटी हो जाती थी। मेहमान आते थे, अड़ोसी पड़ोसी अपने घरों में दो दो चार चार बिस्तर लगा के मेहमानों को ठहरा लेते थे और सारे लोग मिलजुल के खाने से लेके सारी व्यवस्थाएँ कर देते थे। जिसके यहाँ बड़े बर्तन हैं वो पहुँचा देते थे, जिसके यहाँ बिस्तर है वो बड़ी बड़ी दरियाँ हैं वो पहुँचा के और अपनी बेटी की तरह वो उसकी शादी कर देते थे। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि भारतीय सनातनी विवाह परंपरा है जो वो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी हाँ, होती है। बिल्कुल सही बोले। तो इसमें मामा पक्ष का भी कुछ योगदान होता होगा। इसमें मामदान ये रहता है कि वो ममेरा लाता है जिसमें बहन उनकी जो साड़ी पहन के गणेश पूजा या मंडप करती है तो उसको बोलते हैं चिगट। चिगट लेती बहन, तो उस चिगट को उतारने का सारे जिम्मेदारी भाई के ऊपर रहती है। तो वो अपनी बहन को पीला पहनाता है और भाई जीजाजी और परिवार को जो भी अपनी श्रद्धा उसके हिसाब से सम्मान करता है, जो भी होता है उसके हिसाब से। और अपनी भांजी के लिए वो जोल्या लाता है जो सफ़ेद होता है कि हमारी भांजी बिल्कुल शुद्ध साफ सुथरी है जो हम आपको कन्यादान में दे रहे हैं, इसलिए जोला पहन के। और मंगलसूत्र मामा के हक से लगता था जिसमें दो कटोरी और दाने ही होते थे नाड़े में बंधे हुए, परंतु आजकल परिवर्तन के हिसाब से उसमें काले दाने डाल दिए जाते। ओ, कटोरी यानी पेंडेंट। पेंडेंट हाँ, पर वो मंगलसूत्र जो पेंडल होते हैं वो अलग तरह के होते हैं और मंगलसूत्र की कटोरी होती है वो गोल कटोरी। हाँ, गोल कटोरी होती हाँ, थी बाई के पास थी वो। हाँ, उसमें नाका होता है, उसमें नाड़ा डाल दिया जाता है और उसके बाजू में दो दाने। ये मतलब ये था देना। फिर अब जैसे जैसे जो बढ़ा समय, मामा लोगों की हैसियत बढ़ी तो चीजें भी बढ़ गई, ऐसा परिवर्तन हो गया। ये पहरावनी जो होती है ये मामा अपनी तरफ से करते, ये क्या होता है? ये होता है कि वो अपनी बहन के घर आता है तो उसके परिवार के सम्मान के निमित्त जो भी उनसे बनता है, बड़े बुजुर्ग बहनें बेटियां सबका सम्मान करने के हिसाब से वो अपना जो भी होता है वो उनको भेंट करता है। और कि भाई हम एक दूसरे के लिए हैं, हम लोग लड़की वाले इसलिए आपका सम्मान कर रहे हैं, तो वो सबको कपड़े या जो भी लिफाफे जो अपने बजट हैसियत के हिसाब से देते हैं। ये एक तरह से बाध्यता नहीं है, सहयोग है। सहयोग है, बाध्यता नहीं है, सहयोग है। ऐसा है जैसे अपन मंदिर जाते हैं तो भगवान को कुछ भेंट करते हैं, तो ऐसे संधि मिलते हैं तो भेंट तो किस रूप में भी दे सकते हैं जिसमें अपना मन मान जाए ऐसा। कभी कभी इसका स्वरूप बहुत ज्यादा बड़ा भी हो जाता है। हाँ, आजकल बहुत बड़ा हो गया है, इससे जो दूसरे लोग हैं उनको परेशानियाँ हो रही है, ये ठीक नहीं है, पर अब किसी को रोका भी नहीं जा सकता ना, करता है तो। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है। भाभी जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि लड़की के विवाह के पहले जो अब माता को जौले वो दे दिया आपने, पीला पहना दिया, आजकल वो पीली साड़ियों में कन्वर्ट हो गया है, है ना जी, खासतौर पे मालवा निमाड़ और भवाना क्षेत्र में, तो और क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं? भाई मामा अपने पिरावनी करते हैं, उसके बाद लड़की की शादी रहती तो बारात की स्वागत की तैयारी की जाती है
और मंडप में लगन की तैयारी की जाती है, उसमें तांबे की गंगाल, उसमें जल भरा जाता है और एक दिया लगा जाता है जिसको खूट का दिया बोलते हैं, वो जब तक ज्योत जलेगी, जब तक लगन लगेंगे तो वो प्रतीक रहेगा, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, गारंटी नहीं, साक्षी रहे, साक्षी, इसलिए वो दिया बुआ लेके बैठती है जला के, जब तक लगन नहीं लगते बुआ उस दिए को लेके बैठती है, वो साक्षी देता है कि यहाँ जो कार हो रहे हैं बहुत बढ़िया हो रहे हैं और ये आगे तक सब सुखी और संपन्न रहे। अभी आपने गंगाल शब्द का प्रयोग किया, ये क्या है गंगाल? ये गंगाल है जो मामा की तरफ से दी जाती है भांजी को, और उसमें पानी ग्रहण संस्कार किया जाता है, जो पंडित जी दोनों लड़के और लड़की के हाथ मिला के और उस पानी के अंदर डालते हैं और उसी से सब लोग कन्यादान करते हैं उसी पानी से। ये पीतल की होती है या किसी भी धातु की? ये गंगाल तांबे की ही होती है, तांबा और जल दोनों बहुत पवित्र चीज़ें हैं, इसलिए इन दोनों का उपयोग ही पाणी ग्रहण संस्कार में किया जाता है। पानी का अर्थ तो होता है हाथ, है ना जी? हाँ। पानी ग्रहण कर लिया वर के द्वारा, वधु का, वधु के द्वारा वर का। हाँ। और ये जल में क्यों किया जाता है? ताकि जल साक्षी होता है और उसमें वो करके अपन लोग जो भी काम करते हैं तो सुपारी पैसा लेके जल से वो लेते हैं, संकल्प लेते हैं, उसी तरह यह जल साक्षी रहता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को ग्रहण किया और ये जीवन में एक दूसरे के साथ रहेंगे, वो जल उनका साक्षी देता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जल के अंदर स्मरण शक्ति भी होती है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका एक वैज्ञानिक प्रमाण भी है और पिछले हमने अपने एक वीडियो में इसके बारे में जानकारी भी दी थी। हाँ बिल्कुल है, जल जल साक्षी है और उसमें हर चीज है जो हम और कहीं से ग्रहण नहीं कर सकते। मित्रों, मालवा, भुआना और निमाड़ क्षेत्र में पानी ग्रहण संस्कार का महत्व है और पृथक पृथक जगह पे अलग अलग तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, लेकिन ये मालवा, निमाड़ और भुआना क्षेत्र के जो सांस्कृतिक रिचुअल्स हैं वो हैं। इसके आगे हम और भी बात जानेंगे आदरणीय शैलजा जी से। ये पानी ग्रहण के बाद क्या होता है? पानी ग्रहण के बाद घर के सभी लोग अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, जो जल के द्वारा उनके हाथों पे डाला जाता है उसकी पूजा की जाती है और कन्या का दान दिया जाता है, उसमें सभी लोग घर के रहते हैं, इसमें सभी लोग रहते हैं, मामा, मामी, बुआ, फूफा जी, सारे मित्र परिवार जो भी हैं सब लोग ही कन्यादान करते हैं, जिस उसके लिए उन लोग को दिन भर व्रत रखना पड़ता है वर वधु को या कि उनको नहीं, जो कन्यादान करते हैं घर के सदस्य, बहन, जीजाजी, माँ, मम्मी, पापा, मामा, मामी, इनको सबको व्रत रखना पड़ता है और कन्यादान के बाद ही वो भोजन करते हैं। और प्राचीन जो हमारी पुरानी आज से दो तीन दशक पुरानी व्यवस्था और शायद गांव में अभी भी है कि कन्यादान के समय भी उपहार वर वधु को दिए जाते हैं। हाँ दिए जाते हैं उपहार कन्या जी और जाते हैं, लगन के पहले भी घर के लोग माता पिता वर को देते हैं, लड़की की, लड़के जवाई को जो भी अपना कपड़े, सौल सौलिया और सूट, ये प्रथा अपने सभी समाजों में है कि शादी के पहले जवाई को दिया जाता है चैन, अंगूठी, घड़ी, जो भी समय के हिसाब से या हैसियत के हिसाब से है वो दी जाती है। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक प्रक्रिया और होती है गोत्र उच्चार की, ये क्या है? गोत्र उच्चार में ये होता है कि कन्या और वर दोनों के गोत्र एक दूसरे को अपने तीन पीढ़ी जो हैं, पिता, पिता के पिता और उनके पिता, इनके इस इनको स्मरण करके कि इनकी पौत्री, इनका इनकी प्रपौत्री, इनकी पुत्री वो इस गोत्र से, फिर लड़के का जो है वैसे इनका मतलब प्रपौत्र, इनका पौत्र और इनका पुत्र,
इस गोत्र से। इसका मतलब है कि पूर्वजों को और जो ब्याह करने वाला पिता है उनको वो आपस पूरी तीन पीढ़ियां जीवित भी हो सकती है। हाँ हाँ जी। तो उसमें सिर्फ तीन पीढ़ियों का जिक्र आता है, वो उसमें वो दिवंगत हो गई है या जीवित है ये अलग बात है, पर तीन पीढ़ियों का उसमें उल्लेख होता है। इसमें ज्वार का प्रयोग करते हैं जब वो तो विदाई हाँ गोत्र उपचार में ज्वार का प्रयोग। ये क्या है प्रक्रिया को क्या होता है? ज्वार को अपने यहाँ माता की संज्ञा है, ज्वार माता बोलते हैं हमेशा, ज्वार को ज्वार नहीं हमेशा बोलते हैं ज्वार माता। तो ज्वार माता का प्रतीक, मातेश्वरी का प्रतीक है वो। तो वो जो है ना जब डालते हैं तो उसमें ये रहता है कि ये मातेश्वरी की समझो उनके साक्षी में ये कार्य संपन्न हो रहा है। ठीक है सर, तो दोनों पक्षों की ओर से ज्वार की आदान प्रदान होता है। अगर दोनों पक्षों की ओर से ज्वार वर वधु पे डाली जाती है, वर वधु पे डाली जाती है। अच्छा, आशीर्वाद मतलब पक्ष के ऊपर नहीं फेंकते, वर वधु को आशीर्वाद से, वर वधु के ऊपर। ये अंबा सींचने की भी एक प्रक्रिया है। हाँ, ये क्या है? ये विदाई के समय अंबा सींचने की प्रक्रिया, जो लड़की अपने ससुराल जाने के पहले आम के वृक्ष को सींच के जाती है और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरा परिवार इस आम के पेड़ की तरह बढ़े, उसमें मीठे मीठे फल लगे और परिवार एक दूसरे से प्रेम से सुख से रहे। और फिर वो विदा होती है, पिता के हाथ में लोटा रहता है, जल रहता है और वो उसके पीछे माँ रहती है जो सूट लपेटती है उसमें पेड़ आम के पेड़ में सूट, उसके पीछे दुल्हन रहती है, उसके हाथ में दीवट रहती है जो अपने ससुराल लेके जाती है, वो जला हुआ दीवट, दिया बोलते हैं उसको, दीवट अपनी भाषा में बोला जाता है। उसके पीछे दूल्हा उसके कंधे पे हाथ रख के चलता है, उसको अपने घर ले जाता है तो संभाल के ले जाता है विदा करके। और उसके पीछे बुआ रहती है आरती लेके, उनके पीछे जवाई रहते हैं जिसको आयरन का टोकना बोलते हैं, उसमें उनके ससुराल के लिए मिठाई लोटे में चावल गुड़ पैसा और सिंगाड़े ये सब उनके साथ भेजे जाते हैं, उसको आयरन की टोकरी बोलते हैं, जो विदाई के बाद उस परिवार को बरातियों को सौंप दी जाती है। एक और प्रक्रिया होती है माता की कोख पूजना। हाँ जी, ये क्या है? ये माता की कोख पूजना ये है कि जब लड़की विदा होती है तो दही शीतलता का प्रतीक होता है, तो दही से वो माँ की कोख में हाथ लगाती है कि माँ मैं तुम्हारी कोख को हमेशा ठंडी रखूँगी, कभी दुख नहीं दूंगी और तुम्हारी इस कोख का मैं आदर करती हूँ और इसका पूजन करके मैं अपने घर विदा हूँ। ये बड़ा मार्मिक दृश्य होता है, जब भी मैंने देखा बहुत ज़्यादा, तो इसका साइकोलॉजिकल मुझे बहुत उस समय तो आंसू गिरना अपने आप शुरू हो जाते हैं। जी जी, कि मैं आपकी कोख की इज्जत बना के रखूं। और उसमें गाना गाया भी जाता है जो ऐसा गाया जाता है कि दुल्हन अपने दादाजी के बाग में जब फूल बिनने जाती है, इतने में वो जवाई जी आ जाते हैं, बोले चलो तुम उठो और हमारे साथ चलो, बोले नहीं मैं अभी नहीं जाऊंगी, जब मेरे दादाजी मेरी शादी की तैयारी करेंगे उसके बाद मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जाऊंगी, ममेरा करेंगे कन्यादान करेंगे जब ही मैं तुम्हारे साथ जा सकूं। मतलब उस गीत में सबकी ड्यूटीज भी और उनके बच्ची की इच्छा भी सब रहती है उसमें। जी जी, तो मित्रों ये वर पक्ष जब बारात लेके आता है तो वधु पक्ष के यहाँ क्या कार्रवाई होती है, क्या क्या प्रक्रियाओं को अपनाया जाता है, इस पर विस्तृत जानकारी दे रही थी। पॉडकास्ट के अगले हिस्से में हम चर्चा करेंगे कि जब बहू उस घर में पहुंचती है, पत्नी के रूप में वर की या बहू के रूप में जाती है तब क्या होता है, और शैलजा जी से हम आगे जानकारी लेते हैं। जब दुल्हन ससुराल में पहुंचती है तो उसको मंडप तोरण में दोनों दूल्हा दुल्हन को खड़ा किया जाता है ससुराल में, फिर सास पूजन करवा के कलश की, उसको दोनों को टीका लगा के और लड़की के गले में जो बाधी बांधी जाती है उसको छोड़ती है कि तेरी बाधाएं मेरी बाधाएं हम दोनों एक मिलकर सुलझाएंगे, और फिर उसके गले में हार डालती है कि तू अब मेरे गले का हार हो गई, अपन दोनों खूब प्रेम से रहेंगे
और पूरे परिवार में अच्छी खुशी मनाएंगे। और दुल्हन तोरण खोल के अंदर आती है कि ये घर तेरे लिए खुला है, आ तेरा स्वागत है। उसके बाद वो लोग सीधे ईरित के पास पहुंचते हैं जहां 5 कोठियां रखी जाती है, उसमें अनाज रखा जाता है, दाल चावल आटा दही और घी। उसके बाद माँ अपनी बहू के दोनों हाथ पकड़ के सास पूछती है कि ये जो कोठियाँ हैं भरी है कि खाली है। उसमें 2 चांदी की अंगूठियाँ पहना जाती है दोनों हाथों में, चांदी जो शीतलता का प्रतीक होती है कि भाई ये हमेशा शीतल रहे, सबसे प्रेम से रहे, इसलिए दोनों अंगूठियाँ पहन के पूछती है। हालांकि 2 कोठियाँ खाली रहती है, फिर भी उससे बोला जाता है कि ये भरा हो या खाली हो तो भी तुम बोलना कि भरा है। उसका मतलब ये है कि घर में दुख हो सुख हो कुछ भी हो पर तुम खुश रहो और बोलो कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद ईरित की पूजा करके एक दही का और एक घी का हाथ दुल्हन के हाथ से लगाया जाता है ईरित के आसपास और उसकी पूजन करके आगे का काम किया जाता है। मतलब वो अपनी कुलदेवी की पूजन करके इस कुलदेवी के साथ में मतलब वर के उसमें आ जाती है। जी जी जी, आपने ये बड़े मार्मिक प्रसंग भी लाए हैं शादी के प्रक्रिया में, रिचुअल्स में। ये काकन डोरे के बारे में भी हम कुछ सवाल करेंगे, ये कैसे बनता है और ये होता क्या है? ये काकन डोरा दूल्हा जब बारात लेके जाता है तो उसे करवे से नहलाने के बाद वर सिंगार के विदा की जाती है और लड़के को लगन के बाद करवे से नहलाते हैं। उसमें सूत और नाड़ा लपटा जाता है, 6 बार सूत और 1 बार नाड़ा, और 1 करवे में गर्म पानी 1 में ठंडा मिलाने के बाद ईरित की पूजा करने के बाद उसी सूत और नाड़े से कंकड़ बनाया जाता है जिसमें तांबे की अंगूठी और 5 बांध बांध के लड़की और लड़के के हाथ में बांधे जाते हैं। इसको खोलते नहीं है? हाँ, इसको खोलते हैं। जब लड़की ईरित की पूजा करके आती है उसके बाद घर में जोड़े जिमे जाते हैं, जो टोकनी में आयरन की टोकनी जिसको बोलते हैं उसमें चावल जो आते हैं उसका भात बना के ससुराल पक्ष के सब लोग जोड़े से पहले लड़की के पक्ष से जो चावल आते हैं उसी को बनाया जाता है। बिना नमक का चावल बनाया जाता है, उसमें ईरित के पास से धार दे के पूरी पातलों में घी परोसा जाता है, चावल बीच में रख देते हैं और घर के जवाई जो उसको जब खोलते हैं जब नेग रखा जाता है उसके। हाँ, मतलब एक मनोरंजन के हिसाब से तो जवाई आते हैं कि नहीं इतना रखो इतना, इस पे वजन रखो ऐसा, फिर जो भी आपस में समझौता हो के फिर वो चावल खोल के पातलों में परसे जाते हैं। तो घर के सब लोग जोड़े से एक मनोरंजन और उसके हिसाब से दुल्हा दुल्हन खाते हैं, बाकी सब घर के बड़े बुजुर्ग सब एक दूसरे बाधा उत्पन्न करते हैं। मतलब हाँ, उसमें फिर वो उसके बाद काकन डोरे छोड़े जाते हैं दूल्हा दुल्हन को, वही गंगाल जो आती है उसमें पानी भर के दूल्हा दुल्हन को सामने बैठा के दोनों लड़की दोनों हाथ से और लड़का एक हाथ से दोनों के कंकन छोड़ते हैं। फिर उसमें सास वो गंगाल में डालती है 5 बार और जो पहले पकड़ लेता है दूल्हा या दुल्हन तो वो जीत जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया होने के बाद फिर दुल्हन को काकन डोरा छोड़ने के बाद चुनरी उड़ाई जाती है, लाल चुनरी पहनते हैं जिसको लाड़ी चुनरी बोलते हैं, और उसके बाद सास उनको बिछिया और लाख पहनाती है, 1 हाथ में 7 और 1 हाथ में 9 लाख पहना के, और फिर वो घर के बड़े बुजुर्गों को उस दिन से पैर पड़ना शुरू करती है। इसके बाद भी बहू से कब तक घर का काम नहीं कराया जाता? अब तो बहू बेटे सब नौकरी वाले रहते हैं तो उसी दिन पूरण बनाया जाता है और रोटी से लगाने का कार्यक्रम जो होता है पूरण अपनी सब बड़े बुजुर्गों को वो परस देती है। भाभी जी, इसके अलावा एक प्रक्रिया और होती है। हाँ। वो पग फेरा जो बुंदेलखंड में और बाकी जगह बोलते हैं, वो क्या है बताया? सब पग फेरा बोलते हैं, अपन लोग में बोलते हैं मांडा झांकना। तो दूल्हा दुल्हन सब जब ससुराल दुल्हन पहुंच जाती है उसके बाद अच्छी तिथि वार देख के 1 दिन या 2 दिन बाद दुल्हन और दूल्हा वापस आते हैं उसको बोलते हैं मांडा झांकना, और उसमें घर आके कथा कराई जाती है और फिर जवाई को फिर कपड़े देके और लड़की को विदा किया जाता है। ये जो बेटी आती है तो अपने साथ में सहबाली को लेके आती है, सहबाला दूल्हा जी। जब दुल्हन जाती है जब भी एक कोई बच्चे को साथ में भेजते हैं उसको बोलते हैं काग उड़ाना, और उसी तरह लड़का भी अपने साथ में भतीजी बहन को लेकर आता है
तो वो भी बोलते हैं ये काग उड़ाने आया है, और फिर उनको दोनों पक्ष से अपने अपने उत्तर से कपड़े दिए जाते हैं। कार्यक्रम होने के बाद मंडप को ठंडा किया, जब सब वहाँ पूजन होती है तो सबको बुलाते हैं, तो उसके बाद मंडप को ठंडा करना पड़ता है। तो मंडप के चारों तरफ जल छीट के और एक नारियल फोड़ के उसके जो नाड़ा और रस्सी कास के बांधे उसको निकाल के अपनी इरीत और अपना आंबा निकाल के उसको विसर्जन के लिए रखा जाता है। वो इरीत आंबा का विसर्जन किसी भी तरह नदी जल में विसर्जन कर सकते हैं। अपन खास तौर पे नर्मदा जी में, अपन लोग खास तौर पे नर्मदा जी में जाते हैं। एक और प्रक्रिया होती है बुंदेलखंड में, खास तौर पे हमने देखा कि बहू की मुंह दिखाई यानी परिचयात्मक कार्यक्रम होता है। अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था है क्या? अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था है, अपने यहाँ जब वो लाख बिछिया पहन के पैर पड़ती है उसी समय सबका परिचय करा दिया जाता है कि ये फूफा जी है, मौसा जी है, मामा जी है और मामिया, और वो सबके पैर पड़ती जाती है और वो लोग उसी समय उसको मुंह दिखाई के उपलक्ष्य में लिपापा या देवर जो भी है वो देते जाते हैं। क्योंकि तब तो रिसेप्शन टाइप का एक इवेंट नहीं होता था। शादी मतलब उस दौर में बहुत सस्ती और सिंपल होती थी। जी जी, अब ये पंगत में कुछ चीजें हम विशेष रूप से आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्य आहार क्या होता था, इसमें रेसिपी क्या क्या व्यंजन इस्तेमाल किए जाते थे? पहले समय में तो दाल चावल सब्जी कढ़ी और मीठे में बूंदी या बूंदी के लड्डू और सेव चूड़ा, जो सेव चूड़ा होता था वहाँ का बहुत अच्छा होता था ना। और पंगत होती थी तो पहले सौले की पंगत होती थी जी, जो रेशमी सौले बैठते पहनते थे जेंट्स लोग उनको पहली पंगत में बैठाया जाता था और बाकी लोगों को बाद में बैठाया जाता था। और उस समय में ये था कि सब लोटे ग्लास लेके अपने घर से जाते थे पंगत में जीवने के लिए। जी जी, ये प्रक्रिया तो हमने भी देखी है, सिवनी मालवा में और सिराली में भी ये देखा था जी। खूब शौक से थैली में लोटे ग्लास टांग के और पंगतों में पहुंचते थे। पंगतों में मतलब कि उस आयोजनकर्ता को किसी तरह का ज्यादा दबाव ना पड़े, दबाव ना पड़े, और उसमें सब लोग परोसने के लिए सारे लोग खड़े हो जाते थे, और यदि कोई परिवार थोड़ा कमजोर है तो गांव के सदस्य लोग इस तरह परोसते थे कि उसकी मिठाई भी खत्म नहीं हो और पंगत वाला कोई भूखा भी ना उठे। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब इसका भी ध्यान रखा जाता था। इसका भी ध्यान रखा जाता था। टोकनी में लिया लड्डू 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 और पहुंचे और वापस आ गए, ऐसे कर करके उसका उसकी मिठाईता का भी ध्यान देते भी जाते थे। ऐसी बात नहीं है, मतलब दोनों तरह से परोसने कार्य में नुकसान न हो और आदमी भूखा भी नहीं रहे इसका ध्यान रखा जाता। इसका ध्यान रखते हुए आजकल ये जुम्मा जो अपने मैंने भुआना क्षेत्र में देखा, गुजर परिवार बड़ा कोऑपरेटिव तरीके से करता है। बहुत ज्यादा गुजर परिवार यदि किसी के यहाँ शादी में पहुंच गया तो समझ लो ना तो उसकी तो वाही वाही हो गई। सब तरह से वो इतना अच्छा संभालते हैं जिसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते जी। सारी जिम्मेदारियाँ शादी हो गनगौर हो कुछ भी हो वो लोग बहुत अच्छे से संभालते हैं, काफी अनुभवी होते हैं बहुत ज्यादा, और उनके कार्यक्रम बिल्कुल टाइम टू टाइम फिक्स रहते हैं। वो अपने कार्यक्रम भी बड़े टाइम से कर देते हैं और मदद शारीरिक आर्थिक सब करके और अपना काम बहुत अच्छे से निपटा देते हैं। एक बार वो खड़े हो गए तो अपना काम बिगड़ने का सवाल ही नहीं उठता। ये गुजर परिवारों की विशेषता होती है और अभी भी हमने कई बार देखा भी, और वो गा बजा भी लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। जी जी जी, तो क्या है कि ये जो हमारी ग्रामीण भारत जो था वो परंपराओं को लेकर चलता था, शहर में शादियां अब इवेंट बन गई हैं और अब खर्चीली भी हो गई, खर्चीली भी बहुत हो गई जी, और जी नुकसान भी बहुत होता है, नुकसान भी होता है, अन्न का नुकसान बहुत अति होता है। एक मैं बात जानना चाहूंगा, क्या ये डाउरी सिस्टम है डिमांड वाला, क्या ये मालवा निमाड़ और भवानी में भरपूर मात्रा में चलता है जैसा उत्तर प्रदेश वगैरह में होता है? मालवा निमाड़ भवानी में मांग की कोई भी जगह नहीं है और कोई कुछ नहीं मांगता, और आजकल तो इतना वो हो गया है कि बच्चे लोग दहेज के नाम से जो देते थे तो वो तो लेते ही नहीं थे, पर यदि पिताजी चेक भी भेजते हैं तो वो वापस लौटा देते हैं। ये परिवर्तन आया, ये परिवर्तन आया जी जी, तुरंत वापस लौटा। तो हमारे यहाँ तो धवल कपड़ों में धौले कपड़े यानी श्वेत वस्त्र में कन्या बस दी जाती थी जी, और दहेज नहीं दिया जाता था। हाँ, हाँ। क्यों?
क्योंकि मांगा नहीं जाता होगा, मांगा नहीं जाता था। जी जी जी, वो कहते थे सिर्फ हमको कुकू और कन्या चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, जी, जो हमारे घर में अच्छे से रहे और हमारे घर को, हमारे परिवार को आगे बढ़ा। मतलब ये नर्मदीय ब्राह्मणों में अगर कोई दहेज मांग लेता है तब क्या रिस्पांस होता है, पब्लिक रिएक्शन क्या होता है? यदि अपने समाज में कोई मांग करता है, आजकल तो इतना हो गया कि वो अपनी लड़की देते ही नहीं, सगाई तोड़ देते हैं, कहते हैं जो मांगते हैं उनको हम अपनी बच्ची नहीं दे सकते। मतलब मांगने वाला जो होता है वो एकदम नीचे हो जाता है उसको, चाहे वो कितना भी संपन्न हो उसको भिखारी की गिनती में गिन लिया जाता है कि मांगने वाला है तो हम उसको कुछ नहीं दे सकते। जी जी, और शादी संबंध टूट जाता है, शादी संबंध टूट जाता है तो, और उसका फिर वैकल्पिक व्यवस्था भी हो जाती है दूसरे लोग। हाँ बिल्कुल हो जाती है, थोड़े दिन परेशानियाँ होती है पर हो जाती है, जब सब लोग उसको जान जाते हैं कि उन्होंने मांग की है तो दूसरी जगह उस कन्या का। तो मांग को इतना खतरनाक मानते हैं हमारे यहाँ? हाँ, जी जी, मतलब उसके कारण अगर कोई वर पक्ष वाला डिमांड करता है तो। हाँ भाई, यदि लड़की पक्ष वाला कमजोर है, नहीं जिसकी चार कन्याएं हैं नहीं दे पाता है तो फिर वो संबंध उसको तोड़ना ही पड़ता है।